बात करते हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर अब गहमा गहमी शुरू हो गई है। गुजरात में मोदी की विदाई के लिए 21 मई को गुजरात विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 मई को ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने विधायकों की राय लेने के लिए पर्यवेक्षकों के तौर पर थावरचंद गहलोत और गुजरात के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर को गुजरात जाने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। आनंदीबेन पटेल गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मोदी की बेहद भरोसेमंद मंत्री मानी जाती हैं। अब बात करेंगे इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक से जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। अभिषेक, कौन लेगा मोदी की जगह, कहां तक पहुंचा है मंथन? देखिए, बाकायदा गुजरात की अगर बात करें, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर लगातार माथापच्ची यहाँ पर चल रही है। जो यहाँ के प्रभारी हैं ओम प्रकाश जो माथुर यहाँ पे, वह लगातार बने, हालांकि कल या आज के वह यहाँ पर आने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे विधायकों से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसके पहले से सिलसिला लगातार चल रहा है, एक दूसरे से लगातार मिला जा रहा है, बातचीत की जा रही है कि आखिरकार उत्तराधिकारी कौन हो, किसके नाम पर आम सहमति बनाई जाए। क्योंकि अगर आनंदीबेन पटेल की बात करूं आपको, आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे ऊपर जरूर है, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध इस वजह से हो रहा है, सबसे बड़े जो नरेंद्र मोदी खासम खास जो अमित शाह हैं, उनसे और आनंदीबेन पटेल से बिल्कुल भी जमती नहीं है, जिसको लेकर यह उम्मीद कम लगाई जा रही है कि शायद आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री यहां का बनाया जाए। इसकी वजह से दूसरे जो नाम आते हैं, नितिन पटेल जो है, जो यहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनका नाम चल रहा है दूसरे नंबर पर, उनका नंबर लग सकता है। कई ऐसे और पटेल हैं जिनका भी इस पूरे मामले पर नाम चल रहा है। दूसरा नाम जो है दलसानिया का नाम है, जो आरएसएस के काफी करीब है, उनका नाम चल रहा है। चुड़ासमा का भी नाम चल रहा है। ऐसे करीब 6 लोग हैं जो यहाँ पर लगातार उनका नाम चल रहा है कि वह गुजरात के सीएम बन सकते हैं, लेकिन अभी तक अंतिम मुहर किसके नाम पर लगेगी ये तो नरेंद्र मोदी को ही पता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार ये चिंतन मंथन चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद उनकी गद्दी गुजरात में कौन संभालेगा।